आप देखते रहिए मुंबई। मुंबई और भारत के जाने माने आर्ट चित्रकार की कलाकृतियां का भव्य प्रदर्शनी का आयोजन 21 से 27 सितंबर 2021 के बीच मुंबई में वली स्थित नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 21 सितंबर को शाम 5 बजे नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि डॉक्टर दीपांकर रॉय ग्लोबल चेयरमैन इंटरनेशनल आर्ट एक्ट एस पी आहूजा चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट मुंबई अजय कांत रुईया डायरेक्टर ऑल स्टेट प्रशांत नाचने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमरल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी श्री किशन अग्रवाल एंकर मोटिवेटर अभिनेता यश द्रविड़ तथा कला क्षेत्र से जुड़े अनेक जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। इस कला प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न प्रांतों की खासियत तथा संस्कृति दर्शाने वाली आठ जाने माने चित्रकारों द्वारा बनाई गई अनेक कलाकृतियां देखने को मिलेगी। इस कला प्रदर्शनी में भानु गोवाणी बेंगलोर स्वाति द्रविड़ इंदौर रणजीत वर्मा नांदेड गोपाल गाधवे नागपुर मोना राठौड़ ओमान मनीष राव जवाड़े दिल्ली शिल्पा राठौड़ पटेल मुंबई और प्रकाश जाधव मुंबई ऐसे जाने माने कलाकारों की चित्राकृति देखने मिलेगी। 21 से 27 सितंबर 2021 के बीच रोज सुबह 11 से रात 7 तक सभी कला प्रेमी इस कला प्रदर्शनी का विनामूल्य लाभ उठा सकते हैं। नमस्ते, मैं शिल्पा पटेल। बाय प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मुझे पेंटिंग्स वगैरह करना अच्छा लगता है। इस बार हमने आठ आर्टिस्ट मिलकर एक एग्जीबिशन की है जिसमें सारे ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं। सभी बढ़िया गए हैं और सभी का आर्टवर्क बहुत ही सराहने लायक है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मायसेल्फ प्रकाश जाधव, आई एम आर्टिस्ट एक्टर एंड आर्ट मोटिवेटर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 3 साल पहले नेहरू सेंटर सर्कुलर गैलरी के लिए एप्लीकेशन किया था एज अ 8 आर्टिस्ट के लिए। वो 8 आर्टिस्ट का सिलेक्शन होके एग्जीबिशन हो रहा है जो सर्कुलर गैलरी में हो रहा है, नेहरू सेंटर आर्ट सर्कुलर गैलरी में। इसमें से दिल्ली से आर्टिस्ट है, बेंगलोर, उसके बाद ओमान, नागपुर, नांदेड़ और बेंगलुरु और मुंबई से शिल्पा राठौड़ जी है और प्रकाश जाधव मैं हूँ। तो इसमें हर तरीके की पेंटिंग्स है, जैसे पोर्ट्रेट है, एब्स्ट्रैक्ट है, जूट वर्क है, उसके बाद ऑयल वर्क है, उसके बाद पेन एंड इंक वर्क है। तो काफ़ी सारी वैरायटी है। और जैसे आज इनॉग्रेशन हुआ तो इनॉग्रेशन में काफ़ी गेस्ट आए थे जो नामचीन है। और इसमें और एक कैंपेन है जिसे हम सहयोग कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड आर्ट कैंपेन, वर्ल्ड आर्ट ब्रेस्ट कैंसर कैंपेन। तो हम आर्ट के माध्यम से जो हम एट आर्टिस्ट है वो एक सहयोग कर रहे हैं। जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उनके साथ हम हैं इस अभियान से। और ये जो एग्जीबिशन है इसके लिए शिल्पा जी का बहुत सहयोग हुआ और पूरे जितने आर्टिस्ट हैं उनका भी सहयोग हुआ। लेकिन मुंबई में होने की वजह से शिल्पा जी और मायसेल्फ प्रकाश जाधव, तो हम दोनों ने इतनी मेहनत की है कि ये शो आगे बढ़ाने के लिए जो आज यहाँ पे दिख रही है। सर, आज कितनी पेंटिंग यहाँ पे लगी है? 45 पेंटिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले हुई है और यहाँ पे हर तरह की वैरायटी है देखने के लिए। इसमें वर्ल्ड आर्ट कैंपेन में डॉक्टर दीपांकर रॉय है कोलकाता से, उन्होंने इस एग्जीबिशन में एक कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिस्ट को प्रोत्साहित किया है। उन्हें सभी आर्टिस्ट को पुरस्कार दिए हैं क्योंकि सब आर्टिस्ट जो है एक सहयोग, जो विक्टिम है ब्रेस्ट कैंसर के, तो सहयोग करे उसी का एक मान सम्मान उन्होंने आज सभी जितने आर्टिस्ट है, जो आर्ट आर्टिस्ट पार्टिसिपेट है, उनको सम्मानित किया है। बड़ा सपना साकार होने को दिख रहा है। शुरुआत सपना देखना चालू किया था हम लोग
2021 में फरवरी में, और उसके बाद जब हमारे जो पार्टनर हैं इस कैंपेन का, मेरा कॉल गया उनके तरफ, नेशनल ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन ऑफ अमेरिका इन डलस टेक्सास, और मैं नाम लूँगा बेक्का एपरले जो डायरेक्टर पार्टनरशिप के हैं, उन्होंने 2 दिन का समय लिया और 24 घंटे में मेल भेजा, 2 दिन का समय लिया लेकिन 24 घंटे में मेल भेजा कि वी आर देयर विथ यू, यू स्टार्ट। और उसके बाद 3 महीने का मशक्कत, 3 महीने का कड़ी मशक्कत, हमने किसी से एक पैसे नहीं लिए, हम अपने एक मकान गिरवी रख लिए, क्योंकि हमने ये ठान लिया था कि पहले कुछ करके दिखाएंगे, फिर लोग अपने आप चल के आएंगे और एक एक माइलस्टोन बनता जाएगा, और उसी माइलस्टोन के एक निशान आज इस वक्त इस नेहरू सेंटर वर्ली मुंबई में ये निशान की शुरुआत। एक तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद, अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो मुहिम शुरू हुई है ख़ास करके कैंसर पेशेंट्स के लिए जो पीड़ित हैं, कैंसर से जो जूझ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और कई बेचारों की, हमारे भाई बहनों की मौत भी हो रही है, डेथ भी हो रही है। एक ये जो डर का जो फियर फंडा दिमाग में है, या जो फियर दिमाग में लोगों के है, भाई कैंसर हो गया तो मतलब मरना ही है, या डर लग जाता है आदमी को, खौफ हो जाता है। मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो वो एक खौफ दिमाग से निकालना, पब्लिक के दिमाग से, आम आदमी के दिमाग से ये निकालना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अर्ली डायग्नोस इस चीज़ का हो जाता है तो आई थिंक दिस इज़ क्योरेबल, और हमारे साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में लगे हैं जो उसकी दवाई बना रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल एक नॉर्मल बीमारी जैसे हो जाएगी। अभी भी वैसे ही है, उसको ठीक से संभालें, उसको मेंटली वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू फाइट द पेशेंट्स हु आर हैव प्रॉब्लम विद दिस, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो 800 तो कई होते हैं, लेकिन ये 800 में ये फ़र्क है कि ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया गया है, गरीब पेशेंट्स के लिए ये किया गया है, उसके लिए ये 800 डिफरेंट है। और जो आर्टिस्ट लोग भी इतना अपना कमिटमेंट दिए हैं ये शो के लिए, ऑर्गेनाइजर्स ने जो किया है, उसे दीपांकर रॉय ने भी अनाउंस किया है कि वो रिसर्च सेंटर खोलेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो कई खुल रहे हैं लेकिन रिसर्च सेंटर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि विशेष बात यह है कि कैंसर से संबंधित ये शो है, और पूरे हिंदुस्तान से कलाकार आए हैं, और एक कलाकार तो बाहर से भी आए हैं। चैरिटी बहुत जगह हो रही है, बहुत बहुत लोग जमा करते हैं पैसा, राइट हैंड्स तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है गॉड नोज, लेकिन ये जो लोग जुड़े हैं और ये जो नोबल कॉज कर रहे हैं, इसके लिए जो पैसा जमा होगा मुझे लगता है सही हाथों में जाएगा। मेरा पेंटिंग, मैं भानु गोवानी और बेंगलोर से हूँ मैं, और मेरा पेंटिंग राधा कृष्ण और गणेश जी का है, और मैं कंटेम्परी आर्ट भी बनाती हूँ साथ में। मेरा नाम मोना राठौड़ है और मैं एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल, और मैं अभी तो इंडिया में नहीं रहती हूँ, अगर इवेंट होता है, कुछ होता है, देन आई विल कम, और मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल वर्क करती हूँ, और मेरा खुद का फॉर्म भी है इनक्रेडिबल टैलेंट्स करके, और MIT आर्टिस्ट करके 2 फॉर्म्स है जिनको मैं रन करती हूँ, और ज़्यादातर हैंडीकैम बच्चों को मैं ज़्यादा प्रोत्साहन करती हूँ, उनको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ मेरी। नमस्ते, मैं स्वाति द्रविड़ इंदौर से, इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं यहाँ नेहरू सेंटर में हमारी चित्राकृतियों की प्रदर्शनी 21 तारीख से आज। नाम रंजीत वर्मा है, मैं माहूर जिला नांदेड़ से आया हूँ। मेरा काम अधिकतर भड़कीले रंगों से संपन्न होता है, जहाँ पर मैं राधा कृष्ण ऐसे विषय पर काम करता हूँ। मेरा काम जो है सेमी रियलिस्टिक में आता है, मैं इसी के साथ एब्स्ट्रैक्ट में भी काम करता हूँ। नमस्कार, मैं गोपाल गाढ़वे नागपुर मधुन,
एक आर्टिस्ट सोबत मी एक टीचर सुद्धा आहे। तर ह्या पेंटिंग मध्ये मी असं दाखवलेलं आहे माझ्यासमोर, इथे सर्वांनीच अलग अलग कॉन्सेप्ट मध्ये पेंटिंग केलेलं आहे। माझ्या पेंटिंगमध्ये मी जे समाजात जे पाहतो, जे ऑब्झर्व करतो, जे कलर त्यांचे, त्यांचे कॉन्सेप्ट, त्यांचं लाईटचा पोर्शन, किती सारे फॉर्म येतात ते मी पेंट करण्याचा प्रयत्न करतो। सबस्क्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आयकॉन, नेव्हर मिस अ